नमस्कार, स्वागत आप सभी के YouTube चैनल न्यूज बोल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन किस तरीके से बुक कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा और घंटी दबा कॉल भी क्लिक कर दीजिए। फायदा इसके होगा, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिए परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, किसी स्टेट से आपने लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, स्किप पे क्लिक करें। अब दो तरीके हैं अपॉइंटमेंट करने के। एक तरीका तो एक अपॉइंटमेंट के पे क्लिक करके डीएल सर्विसेज रोड बुकिंग पे क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाले, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाले और ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पे जो आ रहा है ना प्रोसीड, प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखोगे ऊपर के सारे प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस हमारा अपॉइंटमेंट रह रहा है। तो अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिक डल के आ जाएगी। अगर नहीं डल के आ रही है तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालें, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू बुक, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड टू बुक का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कैलेंडर ओपन होकर आ जाएगा, कैलेंडर में डेट सेलेक्ट कर लीजिए। इन ग्रीन डेटों में से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। तो जैसे हम अगर 16 का करना चाहते हैं तो 16 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद टाइम स्लॉट ओपन, टाइम स्लॉट का सेक्शन आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो इसमें जिस टाइम के बीच में आपको अपॉइंटमेंट चाहिए उस पर क्लिक कर लीजिए। अब जैसे हमको 10 to 12 वाला ही चाहिए तो इस पर क्लिक कर लेंगे सर्कल पे और बुक स्लॉट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल दीजिएगा जो आपके मोबाइल पे आया है, एप्लीकेशन के साथ जो मोबाइल लिंक है उस पर एक सिक्योरिटी कोड चला गया है वो यहाँ पे डाले और कन्फर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन दिख जाएगा, रिन्यूअल ऑफ डीएल, किस डेट का अपॉइंटमेंट है वो दिख जाएगा और टाइम आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आप निकाल सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है तो सिंपली इस पे क्लिक करके डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चर कोड यहाँ डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा। क्योंकि कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिनका इन पे डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके ये डिटेल डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे तो कुछ उनका यहाँ से हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम इसी तरीके से लाइसेंस का अपॉइंटमेंट होता है, रिन्यूअल लाइसेंस का इसी तरीके से अपॉइंटमेंट होता है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में प्रोसेस बताया है। तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हो या इसके थ्रू डीएल सर्विसेज स्लॉट बुकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये दो तरीके हैं। अगर इन तरीकों से भी नहीं होता तो उसका फिर मैंने आपको बता ही दिया, डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा और घंटी दबा कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। और आप हमारी इस वीडियो को कौन से स्टेट से देख रहे हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि हमको भी पता लगे कि हमारे व्यूअर कहाँ कहाँ से हमारे वीडियोज को देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।